और इस वक्त एक बड़ी खबर, जी हिंदुस्तान के ऑपरेशन हेडमास्टर का बड़ा असर। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा बयान कि इस्तीफा दे दिल्ली की शिक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, सीबीआई से जांच कराई जाए, ये भी आदेश गुप्ता की ओर से कहा गया है। जी हिंदुस्तान ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसका असर भी, स्टिंग ऑपरेशन हेडमास्टर का असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। अभी अभी एक खुलासा न्यूज चैनल के माध्यम से हुआ है, ऑपरेशन हेडमास्टर, जिसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के एक शिक्षा विभाग, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर एक क्रांति हुई है, एक परिवर्तन आया है, उसी क्रांति का एक नमूना दिल्ली के शिक्षा विभाग में मिला है। भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है, एक मामला नहीं है, अनेक मामले, तो एक मामले ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें विदेशियों को एडमिशन दिया गया, और ये मामला यहीं तक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और ये जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना चाहिए इस्तीफा? इतना बड़ा मामला सामने आया, आपके विभाग के अंदर आया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जान लीजिए, जी हिंदुस्तान के ऑपरेशन हेडमास्टर पर दिल्ली सरकार की भी अब सफाई सामने आ गई है। जी हिंदुस्तान के ऑपरेशन हेडमास्टर का ये बड़ा असर हुआ है और दिल्ली सरकार ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि ये दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि किसी ने जालसाजी की है तो कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है दोषियों पर FIR करवाएगी दिल्ली सरकार। दाखिले में EWS की अनदेखी का खुलासा, जी हिंदुस्तान ने अपने बड़े ऑपरेशन, बड़े स्टिंग ऑपरेशन ऑपरेशन हेडमास्टर के जरिए किया था। और इस खबर का असर देखिए कि जहां एक तरफ बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी मान रही है कि अगर कोई दोषी है तो FIR भी होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हिंदुस्तान का स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑपरेशन हेडमास्टर, इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की चीफ प्रवक्ता हैं आतिशी जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनकी जो है शिक्षा एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। मैम, जी हिंदुस्तान ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है ऑपरेशन हेडमास्टर, इसको लेके सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है उसे लेके आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार का जो EWS एडमिशन प्रोसेस है वो देश में, मैं कहूँगी, सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसमें किसी भी इंसान की ना कोई सिफारिश चलती है ना किसी की पुल चलती है। क्यों? क्योंकि जिसने भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरता है और फिर एक ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता, जैसे जो आपके चैनल के माध्यम से सामने आई है, तो दिल्ली सरकार उस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो दो स्कूल हैं जो आपके चैनल का जिसमें खुलासा हुआ है, वहाँ पे हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी गए भी हैं देखने के लिए कि क्या मामला है, किसी प्रकार की अनियमितता है क्या, और अगर है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस बनाया है, अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही है, कोई इरेगुलरिटी आ रही है, तो एक्शन जरूर लिया जाए। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये प्रक्रिया दी हुई है कि हर 3 सीटों के बाद 4th सीट भरी जाएगी। अब कोविड काल की वजह से और कोविड की महामारी की वजह से इस साल बहुत सारे स्कूलों में जनरल एडमिशन हुए नहीं है। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो स्कूल का हो, या दिल्ली सरकार के विभाग के कोई भी ऐसा, चाहे वो जिसने पेपर बनवाए हैं उन लोगों के, जिसने एडमिशन करवाए, इस पूरी प्रक्रिया में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा अगर इररेगुलरिटी कुछ पेपर वर्क में है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है कि किसी प्रकार से गलत पेपर बनाए हैं, गलत प्रूफ दिया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन लोगों के खिलाफ FIR फाइल कराएगी।
देखिए ये थे आतिशी जी जो बता रही थी कि अगर इस पूरे मामले में कोई भी जांच के बाद कल्प्रिट पाया जाता है, कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी, साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ रजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।